गाइज वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। सो गाइज आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू एंड डेमो जो कि है न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में। एंड ये है गाइज हमारा लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। एंड गाइज इस प्रोडक्ट की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसके बारे में आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूँ, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूँ। इस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया और आज मैं इसके बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसको कैसे यूज़ करना है। और इवन वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी क्लिप्स इसको अप्लाई करने के बाद किस तरीके का इसका रिजल्ट रहता है पूरे दिन तक। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो पसंद आने में प्लीज़ उसे लाइक करिएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा। सो गाइज ये है हमारा लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। सो गाइज ये सीरम आता है फॉर ऑल हेयर टाइप, मतलब कोई भी हेयर टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। तो बात करूँ इसके प्राइस की तो गाइज ये 100 ml की बॉटल आपको पड़ेगी 499 rupees का, शेल्फ लाइफ मिलेगी इसकी 3 years की। गाइज ये आपको नायका अमेजोन सब जगह ईजिली मिल जाएगी, इवन आप इसको लोकल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। बाइंग लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इनकेस आपको परचेज करना है। तो बॉटल है और ईजिली आपके 3 to 4 months चल जाएगी क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत कम लगती है। दो से तीन पंप आपके पूरे हेयर को कवर कर देंगे कि ये काफ़ी लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है और बहुत ज़्यादा ये फैलता है, इस वजह से ये क्वांटिटी में बहुत कम लगता है। चलिए अब बात करते हैं अगर इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल ग्लास बॉटल में आता है, बैक पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मेंशन की गई है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है और सबसे खास बात है इसका पंप, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। 2 से 3 pump में आपके सारे हेयर कवर हो जाए। बात करूँ इसके टेक्सचर की, इसकी फ्रेग्रेंस की, तो गाइस ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत हल्का है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, कहीं से भी ये चिपचिप नहीं होता है। ये एजेंसी काफ़ी लाइट वेट है, बहुत हल्का है, ये इतना लाइट वेट ऑयल है कि ये बिल्कुल सीरम की तरीके वर्क करता है जो कि इसकी खास बात है। फ्रेग्रेंस गाइस बहुत लाइट है, बिल्कुल नामात्र है, ये कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के साथ नहीं आता। सो गाइस अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो ये 6 flower oil के द्वारा बना हुआ है, लोटस ऑयल, टियर ऑयल, रोज ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, कैमोमाइल एंड सनफ्लावर ऑयल, तो ये सारे आपको ऑयल इसमें मिल जाएंगे। अगर बात करूँ मैं इसके क्लेम की तो गाइज ये मेजर इसके 5 claims हैं। फर्स्ट क्लेम है इसका गाइज ये बालों को बनाएगा मैनेजेबल, टैंगल फ्री मतलब फ्रिज फ्री, बाल उलझेंगे बिल्कुल भी नहीं, बालों को नरिश्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, 6 times आपको शाइन देगा मतलब कि आपके बालों की शाइन को इनहेंस करेगा, आपके बालों को स्मूथ करेगा। तो गाइस ये मेजर इसके क्लेम है, ये इस तरीके के आपको बेनिफिट्स देता है। इसको गाइस आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और मैं इसको यूज करती हूँ कभी कभी जब मैं बालों को वॉश करने से पहले इसको एज अ ऑयल यूज करती हूँ, जब मैं ब्लो ड्राई करती हूँ तो हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसको पहले अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मेरे बालों में कोई हीट के साइड इफेक्ट ना पड़े। इसको एज अ सीरम यूज कर लेती हूँ फिनिशिंग टच देने के लिए, जिससे मेरे बालों को एक ग्लॉसी शाइनी इफेक्ट मिलता है। कभी जैसे मेरे बाल अनमैनेजेबल फील होते हैं तो मैं पोनी या स्टाइलिंग करने से पहले इसको अप्लाई कर लेती हूँ, जिसकी वजह से बाल स्मूथ फील होते हैं। और कभी जब मुझे एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरीके इसको वर्क करवाना होता है, मैनेजेबल हेयर चाहिए होते हैं किसी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले, तो मैं इसको नाइट में अप्लाई कर लेती हूँ, आफ्टर इन मॉर्निंग मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो इस वे में इसको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इसको यूज करने का तरीका गाइज, तो ये सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको लेना है इसके 2 pump, अपने हैंड में इसको रब कर लेना है ताकि ये थोड़ा वार्म हो जाए। गीले या सूखे हेयर पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर दैट आप अपने बालों को कॉम्ब कर सकते हैं। जैसे कि गाइज
मेरे हेयर है बहुत ही फ्रिजी, ड्राई और अनमैनेजेबल। जैसे जब मैं कॉम करती हूँ तो मेरे बाल बहुत फंसते हैं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ड्राई हैं और स्कैल्प ऑयली है, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब आपको यूज़ किया है तो मेरे बाल बहुत मैनेजेबल लग रहे हैं। आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। इतना मेजर डिफरेंस इसमें आया है। मेरे पहले बाल बहुत रूखे और ड्राई लग रहे थे, इवन उसके बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैनेजेबल बाल लग रहे हैं, इवन बाल डिटेंगल नहीं हो रहे, फंस नहीं रहे, और जिसकी वजह से हेयर फॉल नहीं हो रहा। जब बाल फंसते हैं तो वो बहुत टूटते हैं। अप्लाई करने के बाद मैंने 2 घंटे बाद, सो गाइज आफ्टर 2 आवर्स आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने मैनेजेबल और सिल्की लग रहे हैं। और आफ्टर 4 आवर्स मुझे बाहर जाना था एंड आप फिर देख सकते हैं कि बालों में कोई चेंज नहीं आया है। एंड एट लास्ट 6 आवर में मैंने जब चेक किया तो बालों की कंडीशन एज इट इज़ थी, सिल्की एंड स्मूथ। इसके रिजल्ट अलग अलग टाइम स्पैन में, इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से वर्क करता है ड्राई और फ्रिजी हेयर पे। मुझे ये सीरम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इवन मैं इसको आगे भी यूज़ करूँगी एंड अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए, ताकि मेरे जो बाल रूखेपन की वजह से टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो रुक जाए। और रिकमेंड करने की बात करें गाइस, तो ये मैं सबको रिकमेंड करूंगी, कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है जिसको ड्राई रफ फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है, कोई अच्छा सा सीरम चाहते हैं जो अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो, वेल नोन ब्रांड से हो, तो आप डेफिनेटली लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक जरूर करिएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।